देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अगेन मैं आपसे यहाँ पे कहूंगा कि घबराइएगा मत, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेंथ को देख के घबराइएगा बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है कि ए मैन ट्रेवल्स टुवर्ड्स रामपुर एवरी डे फॉर हिज वर्क, हिज वाइफ ड्रॉप्स हिम ओवर टू अलीगढ़ स्टेशन एवरी मॉर्निंग एंड बैक इन द इवनिंग एग्जैक्टली एट 6 PM एंड शी पिक्स हिम अप बैक एट द स्टेशन एंड टेक्स हिम टू हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि एक आदमी है वो अपने काम पे जाता है रामपुर को, और उसकी जो वाइफ है रोज सुबह शाम अलीगढ़ स्टेशन पे उसे ड्रॉप करने जाती है, और जब इवनिंग में जब वो लौटता है तो उसे हमेशा रोज वो 6 PM पे अलीगढ़ स्टेशन से पिकअप करती है। ठीक है, और उसके बाद उसे घर ले जाती है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि वन डे ही वॉज लेट ऑफ वर्क एन आवर अर्लियर, सो ही अराइव्ड एट द अलीगढ़ स्टेशन एट 5 PM एंड इंस्टेड ऑफ 6, तो अब वो खाली था, तो अब वो क्या करता है, वो अपने वॉक करना शुरुआत कर देता है अपने घर की तरफ। तो जब वो वॉक कर रहा होता है तब उसे एंड रूट वाइफ मिलती है, और इस पूरे प्रोसेस में फिर वो 10 मिनट पहले घर पे पहुंच जाता है, जो कि अपने यूजुअल टाइमिंग से पहुंचते हैं। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, हाउ लॉन्ग डिड द मैन हैव टू वॉक बिफोर ही वॉज पिक्ड अप बाय हिज वाइफ, और मैन को कितनी देर तक चलना पड़ा जब उसकी वाइफ ने उसको पिकअप किया वापस घर ले जाने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेरी व्यूअर्स से यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज एक बार सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, एंड जस्ट इन केस अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता देन फिर आप सॉल्यूशन तो देख ही सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। लेट्स से यहाँ पे हमें कहा गया था कि ये एक अलीगढ़ स्टेशन था, ठीक है, और ये आपका हाउस था। तो लेट्स से जो वाइफ जो थी हमेशा उसको वहां पे कितने बजे मिलती थी, 6 PM पे मिलती थी, और हम यहाँ पे लेट्स से अज्यूम करते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था और उसको टाइम आपका लगता है यहाँ पे 1 घंटा लग जाता है आने में। लेट्स से वाइफ जो थी वो 5 PM पे डिपार्ट करती थी और 6 PM पे स्टेशन पहुंचती थी, और वापस जब उसको लेके जाती थी तो 7 PM पे घर पे वो लोग पहुंचते थे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो टोटल टाइम लगता था वो 120 मिनट्स लगता था, 1 घंटा आने का और 1 घंटा जाने का। लेकिन उस दिन क्या हुआ, क्योंकि वो 5 बजे ही पहुंच गया, दैट मीन्स हम यहाँ पे कहते हैं ये आपका अलीगढ़ स्टेशन था, ठीक है, और यहाँ पे आपका घर ये होम था, ठीक है, और लेट्स से वो चलता हुआ मैन जो था चलता हुआ करीब यहाँ तक पहुंच गया था, और वाइफ जब आई तो वो ऐसे ट्रेवल करते यहाँ तक आई, उसको यहीं पर मिल गया और यहीं से फिर वो वापस चले गए। ठीक है, तो दैट मीन्स जो डिस्टेंस जो उन्होंने कवर अप किया वो ये वाला कि यहीं से आए और यहां से चले गए, और मैन ने ये वाला डिस्टेंस जो था वो वॉक करते हुए किया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये वाली डिस्टेंस जो था इसके आने जाने में उनका टोटल टाइम उन्होंने 10 मिनट सेव किया, दैट मीन्स वो वहां पे उनको अब यहाँ पे 110 मिनट्स लगे पूरे प्रोसेस में आने और जाने में, राइट, यही क्वेश्चन में कहा कि उन्होंने 10 मिनट्स सेव किया। ठीक है, तो 10 मिनट उन्होंने सेव किए, तो हम यहां कह सकते हैं वो जो 10 मिनट आपके कहां से सेव हुए, ये वाले 10 मिनट आपके सेव हुए, वाइफ को कार लेके यहां से यहां तक नहीं आना पड़ा और वापस फिर यहां से यहां तक नहीं जाना पड़ा, तो उस पूरे प्रोसेस के 10 मिनट्स आपके सेव हुए। ठीक है, तो हम यहां पे कह सकते हैं आने और जाने के 10 मिनट सेव हुए, देन हम यहां पे कह सकते हैं जो एक तरफा जो आपका कितना टाइम लगेगा जाने में, 5 मिनट्स। तो हम ये कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस जो था ये 5 मिनट्स की दूरी पे था आपका स्टेशन से। ठीक है, 5 मिनट्स की दूरी किससे कवर होगी, बाय कार, ठीक है, कार से, वॉकिंग नहीं, 5 मिनट्स की दूरी आपकी बाय कार से थी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं अगर वाइफ यहां से 5 PM को चली थी तो 5 मिनट की दूरी पे था, दैट मीन्स यहां से यहां तक आने में ये वाला डिस्टेंस पे वाइफ यहां पे पहुंची होगी ऑलमोस्ट लाइक 5:55 PM 5:55 PM पे पहुंची, यहाँ पे उससे उसका हस्बैंड मिला और फिर वो वापस चले गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर 5:55 PM पे अगर उसे उसका हस्बैंड मिला, दैट मीन्स क्योंकि 5 PM पे वो चला था, ठीक है, 5 PM पे चला था, दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो 55 मिनट्स हस्बैंड ने वॉक किया, तो 55 मिनट्स विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकलता है इस प्रॉब्लम का।